So good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, so exercise number 8.2 was in progress. ये हमने करीब दो दिन से स्टार्ट करी हुई है और आज तो उसको खत्म करके ही मानेंगे, शायद नहीं होता कुछ भी हमारे दुनिया में, कंफर्म होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने पूरा कर लिया था, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू. चूज द करेक्ट ऑप्शन है. आपसे वो रिविजन करने का टाइम नहीं मिला, कल भी छुट्टी हो गई और आज भी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, तो अभी मैं रिविजन करवा लूंगा अपने आप, ठीक है, जिससे इनके बीच में जो जो वैल्यू आ रही है जिससे पूछूंगा वही बताएगा. okay. और नहीं बताया तो फिर समझ लेना है ना, ठीक है. ओके, सो पहला क्वेश्चन है, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, होने में ये चार चूज द करेक्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स यू कैन से कि सर एमसीक्यूज हैं, पर हम इसको एमसीक्यूज के नजरिए से ना करके सब्जेक्टिव पेपर के नजरिए से ही पूरा सॉल्व करके करेंगे, फिर अगर एमसीक्यू में आ जाए तो भी बढ़िया और सब्जेक्टिव आ जाए तो भी बढ़िया. समझ गए, समझ गए, ठीक है. हाँ, एमसीक्यूज के लिए इसमें सेम अप्रोच रहेगी, इन क्वेश्चन में सेम ही अप्रोच रहेगी, बस एमसीक्यूज में ये अप्रोच रहेगी कि जो हम थोड़ा सजा सजा के लिखेंगे वो रफ करेंगे क्योंकि हम बहुत एबीसीडी आंसर चाहिए. ओके, चलो जी, 2 tan 30° प्लस 1 plus 10 square 30°, तो जस्ट पुट द वैल्यूज. सो आप मुझे बताओ, कौन बताएगा, उदित बताओ, 10 30 कितना होता है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 plus 10 square 30 का मतलब 10 30 का होल स्क्वायर. अब देखो इधर स्क्रीन पे देखो, हम सब्जेक्टिव पेपर की अप्रोच रहेगी कि 10 30° का होल स्क्वायर लिखेंगे, अगली स्टेप में ये लिखेंगे, स्टेप्स बढ़ा देंगे बस, ये वाली अप्रोच हो जाएगी. और जब एमसीक्यू अप्रोच होगी तो हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करेंगे रफली, क्योंकि एमसीक्यू में आपको सॉल्यूशन तो दिखाना है ही नहीं. ओके ना, सो 10 30° की वैल्यू ऊपर से ऊपर लिखी है, इसे हमने 1/√3, तो ये भी क्या हो जाएगी, 1/√3, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो 2 × 1/√3 इज 2/√3, बोलो 1 plus 1 plus, हाँ 1/√3 का स्क्वायर इज 1/3, बढ़ो आगे 2/√3, 3 × 3 + 1 = 4/3, बोलो ऊपर नीचे प्रोडक्ट करके ऊपर, बीच वाले प्रोडक्ट करके नीचे, 2 से 1, 2 से 2 times, √3 से √3 times, सो √3/2, समझ आया, बोलो √3 से √3, नहीं समझ आया, नहीं आया, सो रेशनलाइज कर लो, वही मिलेगा सेम चीज. रेशनलाइज करूंगा तो √3 × √3 कर लूंगा, जैसे 3 ऊपर है √3 नीचे, देखो इधर स्क्रीन पे 3 ऊपर है और √3 नीचे, तो रेशनलाइजिंग करूंगा तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3√3 और नीचे 3, बचा तो वही √3, इससे सर सीधे ही काट दें क्योंकि उस 3 के अंदर 2√3 छुपे हुए हैं. 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, ऊपर 2√3 है नीचे 1√3 है, तो 1√3 कट के 1√3 बच जाएगा, बोलो. तो मैंने केवल 3/√3 वाली वैल्यू ली है ना बेटा, 2/4 को तो हर कोई सॉल्व कर लेगा ना, 1/2. अब 3/√3 को कैसे सॉल्व करना है, एक तरीका है √3 से √3 काट दो, एक तरीका है रेशनलाइज कर, इधर से भी √3 आ रहा है आंसर, उधर से भी काटने से भी √3, ठीक है, ठीक है ना, यू कैन यूज एनी ऑफ द टेक्निक. तो सीधे काटो तो छोटी मोटी चीजें सीधे काटना सीखो, है ना, √3 से √3 कितनी बार कटेगा, √3 times कटेगा क्योंकि उसमें 2√3 छुपे हुए, सो ऊपर बचा √3, नीचे बचा 2. अब देखो √3/2 आंसर तो आया, बट देर इज नो ऑप्शन इन, देर इज नो वैल्यू इन द ऑप्शन गिवन एज √3/2, नहीं है ना, सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में ऑप्शन गिवन, तो आप इनमें से डिसाइड करो इनमें से किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू √3/2 होती है, तो सबकी सबकी बताओ आप एक एक करके. इस √3/2 आ गया, इसको तो कर देते हैं हम डिलीट, आज के क्लास में आपको वीडियो का सहारा लेना है क्योंकि हम क्विकली थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करना इज अवर टारगेट, है ना, तो वीडियो से करना है आपको फेयर, आप रफली कुछ नोट करो तो आपकी इच्छा, बाकी फेयर आपको वीडियो से करना है सबको. ओके, हाँ, सो sin 60 की वैल्यू √3/2, बोलो रिया, बोलो cos 60 की वैल्यू, अभी रिविजन हो जाएगा सबका, cos 60 की वैल्यू 1/2, वेरी गुड, 1060 की वैल्यू बोलो कृतिका जैन, √3, एंड कृतिका जोशी साहब 1/2, ठीक है, तो सबको वैल्यूज याद है, हो रहा है रिवीजन, तो किससे मैच हो रही हमारी वैल्यू, √3/2, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल. जैसे ही वहां पे हमारा √3/2 आया था ना, आया था, उसके आगे हम एक लाइन और लिख देंगे, इट इज इक्वल टू sin 60° विच इज अवर ऑप्शन ए, डन, इस तरीके से फेयर कर देना, नोटबुक चले आगे सेकेंड क्वेश्चन पे इसके. हाँ आदित्य नाम है आपका,
याद है? थोड़ी थोड़ी से थोड़ी बहुत पे कब पहुंचेगा और बहुत ज्यादा पे कब पहुंचेगा? धीरे धीरे, अभी टाइम नहीं है धीरे धीरे का। तो पहली बात तो टेंथ में वैसे ही टाइम नहीं होता, और दूसरा फिर तू लेट आया तो टाइम ही नहीं बचा है। फिर धीरे धीरे करेगा तो टेंथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ओके, सो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस, बोल चल 10 45 क्या होता है? 1 या 2? ठीक है, तो स्क्वायर भी तो लगा हुआ है। तो अगली स्टेप में पहले मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर कन्वर्ट करूंगा, और नीचे वाले की भी मीनिंग है 1 प्लस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर। क्योंकि हम पहली बार ट्रिग्नोमेट्री से डील कर रहे हैं तो हर एक चीज स्टेप्स को खोल खोल के लिखेंगे। फिर जब अपन क्लास 10 क्लियर कर लेंगे तो अगले क्लासेस में तो सीधे लिखा जाता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है ना? ओके, सो इट इज लाइक 1 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 का भी स्क्वायर, ठीक है? सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 2, तो 0 बाय 2 इज 0, आंसर डी ऑप्शन। मैच भी करते रहो, कोई जना एक जना पीछे से। ठीक है, चले थर्ड क्वेश्चन पे, मैच करते रहना, अगर मिसमैच हो तो बता देना। sin 2a = 2 sin a is true when a is what? sin 2a की वैल्यू 2 sin a होती है जब a की वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज है यूज की हुई है, उस लैंग्वेज का मीनिंग समझो, है ना? सो लैंग्वेज देखो क्या है, देखो यहाँ पे 2a के आगे लगा हुआ है, यहाँ पे 2 sin a के आगे लगा हुआ है। सो a तो एंगल है, यानी एंगल का दोगुना कर रहा है, LHS में एंगल का दोगुना कर रहा है। ये साइन एक वैल्यू है या वैल्यू का दोगुना कर रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है, एंगल का दोगुना करके साइन लगाओ, ये साइन लगा के एंगल उस वैल्यू का दोगुना करो। दो बातें कर रहा है, दो स्टेप्स है मेरे पास, दो मशीन है, मान लो एक मशीन में डाला पहले, फिर आंसर आया उसको दूसरी मशीन में डाला। तो एक मशीन तो है साइन लगाने वाली मशीन, एक मशीन है दोगुना करने वाली मशीन। तो LHS में क्या कर रहा है, पहले दोगुने करने वाली मशीन में डाल रहा है, फिर जो आंसर आया उसको साइन मशीन में डाल रहा है, समझ आया? और RHS में क्या कर रहा है, पहले साइन मशीन में डाल रहा है उसको, और फिर जो आंसर आया उसको दुगने करने वाली मशीन में जा रहा है, फिर उसका ट्वाइस कर रहा है, और इधर से भी आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसा कब होगा, ए की कौन सी वैल्यू पे ऐसा होगा पॉसिबल है, ऐसा उसने पूछा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई क्या? ठीक है ना, चलो तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब इसके भी दो तीन अप्रोचेस है हमारे पास। अभी हाल फिलहाल तक हमारे पास इसमें एक ही अप्रोच, और हाल फिलहाल तक ये क्वेश्चन आपके ओनली एंड ओनली एमसीक्यूज में ही आएगा, ठीक है? एक ही अप्रोच क्या है, सुनो ध्यान से, चारों ऑप्शन पुट अप करके देखो, और ऑप्शन अभी ये क्वेश्चन आपके ओनली एंड ओनली एमसीक्यू में आएगा। सेकेंड अप्रोच अभी मैं हल्की से डिस्कस कर देता हूं, जिसको समझ में आ जाए, ठीक है? जिसको नहीं आती तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% क्लास 10th में आता है, तो एमसीक्यू में आएगा, आपको जस्ट सारी की सारी वैल्यूज पुट अप करके देख ली। तो स्टार्ट करूं, देखो सबसे पहले ए की वैल्यू 0 रखनी है, क्या रखनी है? तो साइन LHS क्या होगा, चलो सिस्टम से करते हैं, व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर 1 है, इसको चेक कर रहे हैं, ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं। सो LHS क्या है, बोलो LHS क्या है? साइन 2a, ए की वैल्यू 0, तो sin 2 into 0 ऐसे करोगे, 0 का दुगना 0, तो sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0, sin 0 degrees क्या होगा भाई, 0 degree का दुगना करोगे 0 ही आएगा, और sin ये क्या कर रहा हूं, ऐसे क्यों बोल रहा है, खड़ा रहे 0, RHS साइड में खड़ा हूं, पीछे वालों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को, हाँ RHS देखो क्या है, 2 sin a, 2 sin a, तो अब की बार a की वैल्यू अगेन 0, सो 2 into sin 0, बोलो, तो साइन 0 को पहले सॉल्व करेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, और 2 into 0 क्या होता है 0, सो LHS RHS मैच कर रहा है, दैट मींस यही ऑप्शन करेक्ट है। मान लो LHS RHS मैच नहीं करता तो फिर ऑप्शन बी चेक करते, ऑप्शन सी चेक करते, ऑप्शन डी चेक करते। अब आपको सर ये तो a इक्वल टू 0 तो पहले ऑप्शन में दिख गया, तो मान लेते हैं कि आखिरी में कहीं रखा हुआ है, तो चलो एक बार 30 डिग्री पे मैं चेक करके बता देता हूँ, उसमें LHS RHS मैच नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन a इक्वल टू 30 डिग्री,
जिस हिसाब से माइंड पाप की बातें होती हैं उस हिसाब से आपको शोभा नहीं देता आप इतनी लेट आ रहे हो, जिस हिसाब से आपके प्रोमिसेस होते हैं, हाँ ग्रुप वही कह रहा हूँ, जिस हिसाब से आपका ग्रुप में जज्बा होता है और आप एक अग्रणी नेता की तरह बिहेव करते हैं, वो नेता ही पीछे रह गया, जनता का क्या हुआ? चलो आओ, LHS इक्वल टू साइन टू ए में, साइन टू ए में ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट अप करके देखते हैं, करें सो इट इज लाइक साइन टू इंटू ए की वैल्यू 30 डिग्री, सो 30 का दुगना, सो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, √3/2। एंड लेट्स टॉक अबाउट द RHS पार्ट, सो RHS क्या है, 2 sin है, RHS क्या है, 2 sin A = 2 into sin A की वैल्यू क्या डालनी है, 30 डिग्री डालनी है, 2 into sin 30 डिग्री की वैल्यू बोलो तो 1/2, सो 2 into 1/2, 2 से 2 कटा तो आंसर 1, तो क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मींस A की वैल्यू 30 डिग्री गलत है। इस तरीके से एक एक ऑप्शन चेक करना है आपके लेवल, ठीक है, हालांकि मेरे तो पहले ही आंसर आ चुका है तो बाकी चेक नहीं करने, मान लो ये दूसरे पायदान पे होता तो मेरे को जब तक LHS RHS बराबर नहीं आता मैं एक एक ऑप्शन चेक करता जाता। ये तो हो गया आपका वाला तरीका, या इन शॉर्ट आपके वाला मतलब आपके कोर्स में जो ये क्वेश्चन है वो केवल इतनी सी बात कह रहा है कि एक ही यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम ही रखनी है, ऐसी क्या वैल्यू रखूं ताकि LHS RHS बराबर हो जाए, आपके लेवल पे इस क्वेश्चन का मतलब ये, ओके ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस देख लो, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो कोई खास लोड मत लेना, ये तरीका करेक्ट है ना, कर दो उसको डिलीट। सो सेकंड अप्रोच क्या होगी, साइन टू ए को एक्सपेंड करेंगे, जो आप 11th क्लास में सीखेंगे, साइन टू ए की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है 2 sin A cos A, 2 sin A cos A, और उधर कौन है, 2 sin A, RHS में 2 sin A है और यहाँ पे क्या है, 2 sin A cos A, यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट, टेल मी। अब सुनो, आप LHS से RHS से कभी भी कोई क्वांटिटी कब कैंसिल आउट कर सकते हो ना, हाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में तो कर सकते हो, पर वो तो कर ही सकते हो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ पाबंदियां ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है, जिसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है उसी को काट सकते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है उसी को हम काट सकते हैं, जिसकी वैल्यू जीरो पॉसिबल है उसको कभी नहीं काट सकते। सो देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 तो हरगिज पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो काट दो, पर साइन ए की वैल्यू तो 0 पॉसिबल है, सो आप ऐसे नहीं काटेंगे, तो बता रहा हूं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, x² = x है, तो आप x² नहीं काट सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 पॉसिबल है ना, तो क्या करना चाहिए आपको बताए, x² - x = 0, x कॉमन लेके x - 1 = 0, एक बार x 0, एक बार x - 1 0, ये तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है, समझ गए क्या, अच्छे से समझ गए, हाँ तो इन शॉर्ट मैं कहूंगा आपके लेवल पे तो 10th लेवल पे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट काट सकते हैं, बाकी किसी को नहीं काट सकते, या फिर जिसकी वैल्यू हमको 100% पता है कि इसकी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती उसको काट सकते, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन चल रहा है और उसमें मुझे 100% पता है इसकी वैल्यू 0 नहीं है, मान लो कोई, हाँ जैसे कि हमने एपी का क्वेश्चन किया, तो एपी में एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, 0 हो सकती है क्या एन की वैल्यू, नहीं, तो उसमें एन से एन काट सकते हो, उसमें अगर इधर एन स्क्वायर है और इधर एन है मचक के काटो, ठीक है, क्यों काटो, क्योंकि एन की वैल्यू 0 पॉसिबल इस केस में नहीं है, समझ गए क्या, ये बात जिंदगी भर याद रखना, 11th 12th में भी ये बात नहीं पता होती कई बच्चों को, और इसके कारण है छोटी मोटी बातें कि 11th 12th में आते थे बच्चों की मैथ्स बहुत वीक रहती है, डरते हैं वो, छोटी मोटी बातें हैं इनको याद रखो ना, तो मैथ्स इतनी मुश्किल सब्जेक्ट है ही नहीं, अब याद तो रखनी पड़ेगी ना, बताई थी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अभी तक भूल गए, तो आपको अगर याद नहीं होती तो आप नोट डाल के लिखो, बड़ा बड़ा नोट्स बनाने सीखो अपने खुद के, नहीं याद होती है तो, ठीक है, तो आप LHS से RHS में उसी क्वांटिटी को काट सकते हो जिसकी वैल्यू 0 पॉसिबल ना हो, सो कांस्टेंट की तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो साइन ए की पॉसिबल है, सो मैं साइन ए को नहीं काटने वाला हूं, साइन ए को एज इट इज रहने दो, अब क्या करें, साइन ए को उधर बुलाएं, साइन ए को उधर बुला लें भाई, तो इट्स लाइक साइन ए कॉस ए और माइनस साइन ए, और उधर 0 बच गया, साइन ए दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉस ए माइनस 1, भाई इसमें से साइन ए कॉमन लिया, उसमें साइन ए, तो ये बचा इक्वल टू 0, अब वही बात, या तो ये 0 या फिर ये 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0 है, इंप्लाइज या तो साइन ए भैया आप 0 हो, या फिर दूसरा कौन है, कॉस ए माइनस 1 भैया, या तो फिर आप 0 हो, दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, साइन ए 0 कब होता है, जब एंगल ए 0 होता है,
यस ऑर नो, और वहां से चलो कॉस ए माइनस वन जीरो है तो कॉस ए वन है, यस ऑर नो, वन उधर चला जाएगा, और कॉस ए भैया आप वन कब होते हो, मैं भी तभी होता हूं जब ए जीरो डिग्री होता है, सो दोनों तरीकों से ए जीरो डिग्री आंसर है, तो यानी कि मेरा ए जीरो, और मान लो अलग अलग आता तो दो आंसर माने जाते, समझ आया। सो दिस इज द बेसिक मेथड, लेकिन इसको हम अप्लाई 11th में कर सकते हैं, क्योंकि हमको अभी ये नहीं पता कि साइन 2a की वैल्यू ये होती है, बस हमको कोई ये बता दे साइन 2a की वैल्यू ये होती है तो अभी भी कर दें। मान लो यही क्वेश्चन, सुनो ध्यान से, साइन 2a को ऑलरेडी आपको एक्सपेंड करके दे दे आगे, ओके वो खुद दे दे, तो फिर तो यही तरीका है बेटा, क्योंकि इधर से इधर आने के बाद अब तो 10th का ही पोर्शन है, यहां से लेके आते तो क्लास 10th का ही पोर्शन है, बस ये पहली लाइन है 11th का पोर्शन, समझ गए ना। सो ऑलरेडी वो एक्सपेंड करके दे दे तो यही तरीका है, वो एक्सपेंड नहीं करता तो साइन 2 है हमारे लिए डिफाइंड है ही नहीं, क्या चीज होती है सर ये साइन 2 है, तो हम तो ऑप्शंस रख के देखेंगे, फिर वो एमसीक्यू उसमें ही आएगा, बाकी अगर एक्सपेंड करके दे दे तो फिर सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और तरीका ये है। ओके कर लेना फेयर, अपने हिसाब से नोट्स बनाना कि यहां से यहां इस मार्क कर दिया करो, कैसे यहां से यहां आने वाला रास्ता क्लास 11 से मिलेगा, क्लास 11 आइडेंटिटी लिख देना, ताकि आपको जब आप रिवाइज करो तो आपको पता याद रहे कि यहां से यहां आधा रास्ता मुझे नहीं याद रखना, ये ऑलरेडी वो देगी, ठीक है ना। चले आगे, और इस तरीके से जब आप नोट्स बनाते हो ना तो 11th में अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, आप और बच्चों से सोचो कितना आगे हो, उनको तो याद करना पड़ रहा है साइन इक्वल टू टू साइन कोस, आपको पता है ऑलरेडी, पता भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो पता है, हाँ सबने कहा, तो आप 50% आगे और बच्चों से, समझ गए। चले क्वेश्चन नंबर 4th, 2 tan 30 degree, टू टेन थर्टी डिग्री, वन माइनस टेन स्क्वायर 30 degree, सो कौन बचा, किससे नहीं पूछा क्वेश्चन, करण जी बताइए, सैन करण आप 10 30 degree की वैल्यू बताइए, पीछे उल्टा करके वहां खड़ा करो, आराम से घूर के देखना उसको, हाँ किसने बताई, किसने बताया, किसने आवाज तो आई मुझे, आपकी आवाज से पहले किसने बताई थी, 1/√3, हिम्मत मत करना बीच में बोलने के, 10 30 degree ऊपर 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 है, स्क्वायर करना है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, सो 1/√3 का वैल्यू का स्क्वायर, आप प्लीज इसको दो स्टेप्स में करना, पहले स्टेप में आप लिखना 10 30 degrees का होल स्क्वायर, फिर अगले स्टेप में 1/√3 का होल स्क्वायर, नहीं क्लास 10th लेवल पे डायरेक्ट नहीं करना, आखिरी एक्सरसाइज में कर लेना, पर आखिरी एक्सरसाइज में फिर वैल्यू नहीं पुटअप करनी, अभी इस एक्सरसाइज में तो ये चीज यही डिस्कस हुई ना, जिस एक्सरसाइज में जो चीज वही डिस्कस हुई है, तो एटलीस्ट उस एक्सरसाइज में तो उसकी इज्जत रखो कि हाँ ठीक है तेरे को दो स्टेप में करते हैं, ठीक है ना, फिर उसको बेचक कर देना आगे से, किसने कहा नो, तू बैठ तू खड़ा, खड़ा हो स्टैंड अप, 1 minus 1/√3 का स्क्वायर बताना, 1/3, अब तू तब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई अगला बच्चा कोई और शैतानी ना करे, तेरे लिए कुर्बानी ना दे, कोई और बच्चा कुर्बानी दे देता है तो उसको खड़ा करके तेरे को बिठा दूंगा, नहीं तो तू ही खड़ा रहेगा, अब पता चल जाएगा कौन अच्छी दोस्त है ना, तो आपकी दोस्ती तोड़वा के रहूंगा मैं 10th खत्म होने, 10th तक खत्म होते होते आप लोग जाने दुश्मन बन चुके होंगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छा है, 1 minus 1/3 क्या होता है, 3 1 3 minus 1 2/3, डन, चलो जी, सो 2 into 3, नहीं मल्टीप्लाई करना थोड़ा है, लिखना है अल्पलाल, √3 into 2 कट जाएगा ना, 2 से 2, अब अगेन 3 and √3 कैसे काटोगे, अभी करके बताया था मैंने, √3 1 जा √3 and √3 √3 जा 3, √3 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
डिग्रीज विच इज अवर ऑप्शन नंबर सी. डन, खत्म क्वेश्चन. यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू रूट थ्री है, अगर टेन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू रूट थ्री है और टेन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू वन बाय रूट थ्री है. ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं पहले.
तो अच्छा आगे भी कुछ दिया हुआ है, पहले यहां तक मीनिंग समझते हैं, क्योंकि बहुत सारा समझा देंगे तो फिर दिमाग चकरा जाएगा ना। सो पहले यहां तक का मीनिंग समझे। देखो ए और बी क्या है, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो भी रखा हुआ है, ए बी एक्स थीटा, हर एक चीज एंगल है। क्या है? क्योंकि इसके आगे एंगल ही आता है। आगे चल के आप सीखोगे कि मैथ्स में हर एक चीज की डोमेन और रेंज होती है। डोमेन और रेंज का मतलब ये होता है कि उसको इनपुट में क्या मिल सकता है वो होता है डोमेन, उसका आउटपुट क्या हो सकता है वो रेंज। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इनपुट में एंगल मिलता है, एंगल ही मिलता है ना, और आउटपुट में एक वैल्यू मिलती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डोमेन हमेशा एक एंगल होता है। तो ये ए प्लस बी भी एक एंगल है। तो ए प्लस बी अगर एक एंगल है तो ए और बी भी एक एंगल रहे होंगे। यानी ए और बी दो एंगल्स का सम करना है, पहले जोड़ना है, और जो आंसर आए उस पर टेन वैल्यू लगानी है और उससे रूट थ्री मिलता है। समझ गए? उन्हीं दो एंगल का डिफरेंस करना है जिनका सम किया था यहाँ पे, उन्हीं दोनों एंगल्स का क्या करना है, डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करके जो एंगल अब फाइनली एंगल मिले, ए एक एंगल, बी एक एंगल, डिफरेंस किया अगेन एक एंगल मिला, उस एंगल पे भी टेन लगाओ और वहां से 1/√3 मिला। तो ये दो इंफॉर्मेशन की बने, समझ आया क्या? और आगे की इंफॉर्मेशन रीड आउट करो। ये कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये कह रहा है कि जो ए प्लस बी वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है ना, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो ए प्लस बी वाला एंगल एक एक्यूट एंगल है, ऐसी जानकारी वो दे रहा है। ठीक है ना? ऐसी जानकारी उसने क्यों दी, सुनना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसी जानकारी उसने क्यों दी, इससे हमको फायदा क्या हुआ? देखो बेटा, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना एक्यूट एंगल पे सीखा, या ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री पे सीखा, 90 डिग्री को क्रॉस नहीं किया है। सो आप इस इंफॉर्मेशन तक आप ए की वैल्यू एक एक्यूट एंगल ले सकते हो और बी की वैल्यू भी एक एक्यूट एंगल ले सकते हो। सो लेट्स से मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली 45 डिग्रीज और बी की वैल्यू ले ली मैंने 60 डिग्रीज, तो 45 + 60 क्या होता है? सो टेन 105 पे लग जाएगा, जो डिफाइंड ही नहीं है हमारे लेवल पे। तो वो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ए और बी ऐसा लेना ताकि इनका जोड़ 90 को क्रॉस, ए और बी आप ले ही नहीं सकते ऐसा जो 90 को क्रॉस, इनका सम 90 क्रॉस है, क्योंकि अगर आप ऐसा क्रॉस करवा देते हो तो आपके कोर्ट से बाहर बात चली जाएगी। समझ गए क्या? इसलिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने दी। और आगे एक चीज और दी है उसने, ए बी से बड़ा है, तो अभी मैंने ये गलत लिया है, ए को बी से बड़ा लेना है, क्योंकि ए को बी से बड़ा नहीं लिया, ए माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अभी 45 - 60 क्या होता है, चलो इधर भी करो, ए को अगर सपोज करो उन्होंने 45 डिग्री ले लिया, -60 डिग्री ले लिया, सो -15 डिग्री। अब -15 डिग्री पे 10 यूज करना, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए 0 से लेकर 90 के एंगल्स ही हैं ना, 0 से छोटे चाहिए, -15 जीरो से छोटा है और ये 90 से बड़ा है, वो 0 से 15 डिग्री छोटा है, ये 90 से 15 डिग्री बड़ा है। समझ गए क्या? तो आप ये वाला केस नहीं ले सकते कि ए को 45 ले लिया, बी को 60 ले लिया, कुछ भी लो, पर ऐसा लो कि ए प्लस बी तो 90 को क्रॉस ना करे, और नेगेटिव साइड में 0 को क्रॉस ना करे, पॉजिटिव साइड में वो 90 को क्रॉस ना करे, एंड ए बी से बड़ा लेना है, ए को बी से बड़ा लेना है। अब आप बताओ ए क्या है बी क्या है, मतलब ए और बी आप सोच रहे थे ना क्या है, तो अब आप बताओ ए और बी क्या है। तो कई बच्चे तो उसको कॉमन सेंस से कर देते हैं कैसे, और आपके लेवल तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही करना है। देखो कैसे करना है, आप दो इंफॉर्मेशन देखो, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, जितना भयानक दिख रहा है ना बिल्कुल उसके सामने टुच्चा सा क्वेश्चन है। देखना गिवन पॉइंट्स लिखो, एट इज गिवन दैट, क्या गिवन पॉइंट्स नहीं लिख, तेरे को तो नींद ही आ रही है अभी तक, तेरे तो नींद ही नहीं खुली है अभी। हाँ हाँ एक बाल्टी भर के पानी रखूंगा कल से, वो तो गंदा है उसको यूज नहीं करेंगे, और जो भी दिखाई दिया कि नींद में है एक मग रखेंगे उसमें यहीं से देके मारेंगे, नहीं तो उसको कह देंगे ना हटना भाई। ठीक है, चलो इधर आओ। हैट इज गिवन दैट, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3, ये पहली इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन में मैं लगे हाथ लगा देता हूं उसी के आगे, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस फाइव नहीं, ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/, या तो कोई डाउट? अब सुनो जो मैं कहने वाला हूं, देखो टेन ऑफ ए प्लस बी आइडेंटिटी से कैसे खुलता है वो हमारे कोर्स में नहीं है। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 - 10 a 10 b से खुलता है, और वो खुलता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 + 10 a 10, वो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको खोल तो सकते नहीं हम।
तो फिर हमारे कोर्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पे एक ऐसी वैल्यू आएगी जो टेन के किसी ना किसी एंगल पे निकलती हो। टेन सिक्सटी पे निकलती है वैल्यू, टेन थर्टी पे वो वैल्यू निकलती है, यानी वो 100% ऐसी ही वैल्यू देगा जो निकलती हो। जो नहीं निकलती ऐसे नहीं दे सकता रूट टू, क्योंकि रूट टू तो टेन में डिफाइन ही नहीं है। तो फिर तो तरीका वही था, इसको खोलो, जो हमारे कोर्स में नहीं है। समझ गए क्या सारी बातें? सो अब जब आपको पता है कि ये कैसे कैसे डिफाइन है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं ऐसे करूंगा, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री को टेन की फॉर्म में लिखना है, टेन सिक्सटी डिग्री, यस और नो? रूट थ्री को टेन की फॉर्म में लिखना है, क्या लिख सकते हो, टेन सिक्सटी डिग्री लिख सकते हो। एंड उधर से आइए, टेन ऑफ ए माइनस बी को छोड़ो, ऐसे कैसे, वन बाय रूट थ्री को टेन की फॉर्म में लिखो जरा, टेन थर्टी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मन में तो ये इच्छा हो रही है कि टेन से टेन कटा, मन में तो इच्छा हो रही है, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, सिक्सटी डिग्री। तो सुनो, वाकई में कटा, वाकई में कटा, क्योंकि देखो एक एंगल मेरे पास ये है, एक एंगल मेरे पास ये है, इस पर टेन लगाता हूं तो एक वैल्यू आती है, इस पर टेन लगाता हूं दूसरी वैल्यू आती है, वैल्यू से वैल्यू मैच कर रही है, यानी एंगल भी सेम था, यानी एंगल भी सेम था, तभी तो आखिरी फाइनल वैल्यू मैच करी। समझ गए ना भाई, इस कढ़ाई में एक मटेरियल डाला, एक डिश तैयार हुई, इस कढ़ाई में एक मटेरियल डाला, डिश तैयार हुई, डिश मैच कर रही है तो मटेरियल जो डाला था वो भी सेम था। समझ गए ना, क्लियर है? सो इस लॉजिक से तो अपने मन के अंदर, अपने मन के भाव मन में ही रखना, टेन से टेन कट गया, मन में तो सोचना टेन से टेन कट गया, लेकिन काट के मत आ जाना, ठीक है ना, ऐसे लाइन मत खींच के, मतलब ऐसे कट करके मत आ जाना। फिर क्या करना है, बस बस नेक्स्ट स्टेप में इधर भी टेन नहीं लिखना, उधर भी टेन नहीं लिखना, इधर भी टेन नहीं लिखना, उधर भी टेन नहीं लिखना, कट गया, पर ऐसे काट के नहीं आ, समझ गए क्या, क्लियर है? उधर आओ, टेन से टेन उधर भी गया, सो ए माइनस बी इक्वल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन चुका है, जो आप भलीभांति सॉल्व करना जानते हैं, आइदर सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन और एनी, सो इक्वेशन वन इक्वेशन टू, सो एड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, वी गेट सो ए और ए टू ए, वी गेट इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू इंप्लाइज, सो ए प्लस ए टू ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, RHS जोड़ो 60-30, सो इट गिव्स मी ए इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच गिव्स मी व्हाट 45 डिग्री। इसको कहीं भी पुटअप कर लो, कहाँ पुटअप करना है, इधर कर दूं, सो इक्वेशन वन में पुटअप करते हैं इसको, सो ए की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, सो 45 को उधर ले जाएंगे, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, आंसर देखो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 50, चेक करो पीछे, चेक करो, बोलो ईशानी समझ आ रहा है, और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो ए की वैल्यू रखना यहाँ पे 45, ए की वैल्यू रखना 45, बी की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15, सो 45 प्लस 15 कितना होता है 60, और 10 60 रूट 3 होता है 45 माइनस 15 कितना होता है 30, और 10 30 1 बाय रूट 3 होता है, और तो और इन दोनों का सम 45 प्लस 15, 90 को क्रॉस नहीं कर रहा, 60 डिग्री आ रहा है, और तो और ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जो जो उसने हमको चीजें दी थी वो सारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, ए बड़ा है बी छोटा है और ए प्लस बी का सम 90 को क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, देखो तो मैं फाइनल एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखूंगा, सो द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, ए की क्या निकली 45 डिग्री, बी की रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट आप लिख के बताओगे कि जो जो उसने क्राइटेरिया दिया था वो हमने फॉलो किया है, सच दैट ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, 45 प्लस 15 60 डिग्री आ रही है, और ये 60 डिग्री जो है, ये 60 डिग्री जो है 0 और 90 के बीच में, एंड दिस 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये डंडा लगने का मतलब पता है क्या होता है, कि 90 भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है, यहाँ पे डंडा नहीं लगा हुआ है ना,
ये जीरो नहीं हो सकता पर जीरो से बड़ा हो सकता है, तो ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। जीरो और नब्बे के बीच में डालते तो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ये। अरे इधर तो ए प्लस बी है ना, अब वो आंसर 60 डिग्री आ रहा है। इनइक्वालिटी में एक आंसर नहीं होता, उस रेंज का आंसर होता है, ये भी 11th में सीखना है। ठीक है, इनइक्वालिटी सीखेंगे हम अभी, जैसे लीनियर इक्वेशन है अगले साल आएंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। अभी लीनियर इक्वेशन है ना थर्ड चैप्टर में, अगले साल चैप्टर 6 में आएंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, उसमें भी ग्राफ्स बनेंगे, उसमें पूरा पूरा एरिया शेड होगा। अभी जैसे लाइन शेड होती है, एक लाइन मिलती है अपने को यूनिक सॉल्यूशन, उसमें पूरा पूरा एरिया शेड। लाइनें तो अभी भी खींच रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? नहीं शेड करते हैं हल्का सा पेंसिल को से टेढ़ा करके, ठीक है ना, बस पेंसिल घसती है और कुछ नहीं जाता। ठीक है, एंड एंड साथ में ये भी लिख लो कि ए की वैल्यू बी से बड़ी चाहिए थी, सो क्लियरली 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 50। तो ये दोनों क्राइटेरिया हमने फॉलो, तो ये आंसर वैलिड है। ठीक है, चलें आगे। हाँ यार कोई और गलती नहीं कर रहा, नो बोला आपने, चर्चित तेरा पक्का दोस्त है ना, पढ़ाओ। ओके हाँ जी आ जाइए। फोर्थ, ट्रू और फॉल्स है होने में तो, पर हम तो अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे, हम थोड़ा इसको ट्रू फॉल्स की नजर से देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि इसमें से कुछ चीज सब्जेक्टिव पेपर में, मतलब आपको नॉलेज बेस नॉलेज पूरी लेनी है अपने को। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, कोई मजाक चल रहा है कि साइन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ये ऐसा थोड़ा ना कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड है तो एक्स वाई इंटू एक्स जेड कर दो। हाँ मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं चल रहा है, सो इट इज नॉट, इट इज फॉल्स। ठीक है, साइन ए प्लस बी आप नेक्स्ट ईयर सीखेंगे क्या होता है पता है, साइन ए कॉस बी, मैंने बताया भी कई बार, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, प्लस कॉस ए साइन बी, ना कि साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है डन, चलो तो इट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो तो बेकार ही था। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, तो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले जीरो, जीरो डिग्री, पहले मैं स्पेसिफिक एंगल्स लिख देता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बंद कर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की है। तो अब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, जीरो से 30, 45, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है चेक करते हैं। तो साइन जीरो पे वैल्यू क्या थी? जीरो, कॉस सॉरी साइन 30 पे, 45 पे 1/1, ओ 1/√2 सॉरी 1/√2, 60 पे √3/2 और उसपे 1। तो अब आपको थोड़ी सी बहुत मैथमेटिक्स की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इनकी वैल्यू लगभग कितनी होती है। तो जीरो की वैल्यू जीरो, 1/2 की 0.5। अच्छा एक चीज सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, और अगर उल्टा हो, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्यों? मैं चार को तीन हिस्से में बांटूं और मैं चार को दो हिस्से में बांटूं तो दो हिस्से में बांटने वाला फायदा है ना भाई, चार चॉकलेट है मेरे को तीन लोगों में बांटनी है और एक जगह दो लोगों को बांटनी है, तो दो लोगों में बांटूंगा तो ज्यादा मिलेगी ना उनको बजाय के तीन लोगों में बांटने। सो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो जो होता है वो बड़ा होता है, वो एक्चुअल फ्रैक्शन वो क्या होता है, बड़ा होता है, होता है ना ऐसा। तो इधर आओ मुझे बताओ, टू बड़ा है या रूट टू बड़ा है? टू बड़ा है, तो देखो डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, न्यूमरेटर सेम, वन और वन न्यूमरेटर सेम, लेकिन डिनोमिनेटर हो गया छोटा, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो एक्चुअल फ्रैक्शन बड़ा हो गया, एक्चुअल फ्रैक्शन क्या हो गया बड़ा, तो ये इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है। अब आगे डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, अच्छा सॉरी रूट टू है, तो फिर इसको तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, जो आपने बचपन में सीखा था कि 1/√2 और √3/2 में से कौन बड़ा है, कैसे चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 एंड √2 × √3 √6। अब आपको √6 की भी फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए, 2 से बड़ी होती, क्योंकि √5 की वैल्यू क्या लिखवाई मैंने, 2.25, तो √5 की वैल्यू 2.25 है तो √6 की थोड़ी सी और ज्यादा होगी, तो ये इससे बड़ा है, दैट मींस वो इससे बड़ा है, तो ये से बड़ा निकला, ये से बड़ा निकला, और फाइनली √3 को 2 से डिवाइड करो तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732,
रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732, उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी 0.8 समथिंग आएगी और उधर 1 है तो 1 बड़ा है। तो ये एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट में याद होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे जीरो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है एंड कॉस थीटा की ऑब्वियसली घटेगी क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करती है भाई। अगर साइन थीटा की बढ़ रही है तो कॉस थीटा की घटेगी ही घटेगी क्योंकि इसी की तो रिवर्स डायरेक्शन है कॉस थीटा, और क्या है बोलो। सो कॉस थीटा में ये 1 इधर आता है, ये रूट 3/2 इधर आता है एंड 1/√2 ये सेम रहता है और 1/2 आता है और लास्ट में 0। तो अब आप देखो ये बड़ा है इससे, जब 1 इससे बड़ा है तो 1 इससे बड़ा है, रूट 3/2 1/√2 से बड़ा है, 1/√2 1/2 से बड़ा है, 1/2 0 से बड़ा है। सो इसकी वैल्यू घट रही है आखिरी में 0 पे बिल्कुल कम हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ रही है आखिरी में 1 पे सबसे बड़ी हो गई। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस ट्रू है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस नहीं है, डिक्रीजेस आना चाहिए ना, या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स, समझ आया क्या अच्छे से, आगे अच्छे से ओके। साइन थीटा कॉस थीटा सारी वैल्यूज थीटा पे बराबर है, फॉल्स, एक ही वैल्यू पे बराबर है जब थीटा 45 दोनों अदरवाइज वो बराबर नहीं है, सो इट इज फॉल्स। कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफेंड, सही कहा गया सर, सही तो ये आपको वैल्यू से याद होनी चाहिए। डन, एक्सरसाइज डन, जाइए। और ये वाला टॉपिक नहीं है हमारे कोर्स में, बोलो ये वाला टॉपिक नहीं है ना, सो नेक्स्ट क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक कह ले या सबसे एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग चीज जो आएगी वो अब आने वाली, ओके। चलो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, तो यहां तक का काम कंप्लीट करेंगे, सब पेयर वर्क, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रू फॉल्स है ना, यहाँ तक का काम तो ग्रामर की क्लास कल होगी, आज ही है ना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस एंड बाय।